दर्शकों नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। ये मेरी डायलॉग नहीं, ये एवीटी न्यूज पर आप जिसकी डायलॉग सुनते हो, एंकर परेश आज हमारे साथ मौजूद है, जिनकी पूरी टीम यहाँ पर लाफ्टर कंपटीशन का आयोजन कर रहे हैं और आज उनका ऑडिशन है। देखिए सब पूरी यंग लॉबी यहाँ पर खड़ी है, जवान लड़के खड़े हैं, लेकिन आजकल के युवा भी सामाजिक कार्य में उतरे हुए हैं, ये मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि ब्लड कैंसर के पेशेंट के लिए इन्होंने ये कंपटीशन का आयोजन किया है। आइए सीधे जानते हैं हम एंकर परेश से क्या कर रहे हो। अरे क्या बात है, वैसे हमेशा मुझे देखते हो। हेलो नमस्ते, हेलो आप सत श्री अकाल कहते हो। आज सर ने कर दिया और कितने खुशी की बात है, विजय सर मेरा इंटरव्यू, मैं धन्य हो गया। मैंने तो कहते हैं ना, जब तुम कोई अच्छा काम करने जाते हो तो तुम्हें सारी चीज़ें अच्छी अच्छी मिलती है, तो मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी मिली और ये हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। और दूसरी बात ऐसी है कि हम लोग लाफ्टर कॉम्पिटिशन इस पल की खुशी हम लोग लेकर आए हैं। ये इवेंट सर हम लोगों ने डेडिकेट किया है पूरे ब्लड कैंसर पेशेंट के लिए और ये उनके अवेयरनेस के लिए है। जो लोगों की सोच है इस बीमारी को लेकर कि मुझे वो बीमारी है तो मैं बस मेरी ज़िंदगी खत्म होगी, ये सोच बदलती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि फेसबुक आया, सोशल मीडिया में पूरा यही छाया हुआ है कॉम्पिटिशन का, आपके लाफ्टर कॉम्पिटिशन का, तो कितने लोग आए यहाँ पर? काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला सर, जैसे हम लोगों ने सोचा था उससे बेहतर रिस्पांस मिला है। और दूसरी बात कैसा होता है कि डांस कंपटीशन, सिंगिंग कंपटीशन को हमेशा रिस्पांस मिलता है, तो ये पहली बार ही हो रहा था और पहली बार में हमें बहुत काफ़ी अच्छा। सबसे बड़ी बात तो आपने ये की है कि नागपुर के सबसे बड़े जज जो है एंकर मान जी को आपने यहाँ पर लिया, उनके भी काफ़ी फैंस लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जानते हैं मान से क्या कहना चाहते हैं? सर सबसे पहली बात, जब मुझे परेश का कॉल आया इस बात के लिए कि हम कैंसर पेशेंट के लिए कुछ करना चाहते हैं, ब्लड कैंसर पेशेंट के लिए, मैं सीरियसली बहुत खुश हुआ। और जब इन्होंने कहा कि जितना भी पैसा आएगा वो हम में से किसी के पास ही जाएगा, वो सारी मदद जाएगी उन पेशेंट के लिए जिनके पास कोई मदद करने वाला नहीं है। हम देखते हैं कि जब कोई बीमारी हो जाती है तो धीरे धीरे समाज, रिश्ते सब टूटने लग जाते हैं, खासकर परिवार वाले भी दूर हो जाते हैं। तो इस बीच कोई परिवार अपने आप जुड़ते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, जो परेश एंटरटेनमेंट ने बहुत बेहतरीन तरीके से निभाया। मुझे लगता है कि जिस तरह आज हमें प्रतिसाद मिला है, जिस तरह लोग आए हैं, जिस तरह भीड़ थी लोगों को हंसाने के लिए, लोगों को खुश करने के लिए, तो मुझे लगता है कि आगे चल के परेश एंटरटेनमेंट एक बड़ी मंजिल हासिल करेगा। और जिस तरह लोगों ने हमें मदद की, मैं उम्मीद करता हूँ कि जो लोग हमें देख रहे हैं वो हमें यहाँ आके और मदद करें। और आपको बता दूँ कि ये पहला ऐसा नागपुर में इवेंट होने जा रहा है जो हमारी घर में उसका एक रुपया नहीं जाएगा, वो सारा मदद जाएगा उन लोगों के लिए जिनका कोई मददगार नहीं होता। तो आइए एक कदम इंसानियत की ओर लेके चलते हैं और उनकी मदद करते हैं जिनका कोई मददगार नहीं है। कंटेस्टेंट कैसे लग रहे हैं? कंटेस्टेंट काफी तगड़े हैं, काफी जोरदार है, नागपुर वाले हैं, नागपुर वाले अक्सर गर्म होते हैं हम सब जानते हैं। तो ये कहते हैं गर्माहट वाली कंटेस्टेंट, गर्माहट वाली परफॉर्मेंस थी मौजूद थी और अभी तो बहुत सारे कंटेस्टेंट बचे हैं, तो मजा आएगा देखने में। एंकर परेश को हम एक डायलॉग के लिए अपील करते हैं जिससे इनके डायलॉग सुनते और भी कुछ लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लाइव शो चल रहा है अपना एबीटी न्यूज़ पर, एंकर आप कुछ बोलिए। वैसे मैं पर एक बात मैं कहना चाहूँगा कि परेश इंटरटेनमेंट, वो थोड़ा सा नाम गलत है, परेश इंटरटेनमेंट एंड टीम करके, और ये पूरा पूरा परिवार है यहाँ पर साथ में, काफ़ी सारे लोग हैं और एक एक करके जुड़ रहे हैं। जैसे मान भाई हमारे साथ जुड़े, पहले ऑडिशन आज नागपुर में रायसोनी कॉलेज में जो श्रद्धा हाउस में ऑडिशन है वहाँ पर जज करके हमें आज मान भाई आए हैं, कल हिंगन घाट में है वहाँ पे कोई और जज है, ऐसे अलग अलग जगहों पे अलग अलग जज है, पूरे टॉप 10 सिटीज में हम लोग ऑडिशन ले रहे और पूरे कलाकारों को चुन के विदर्भ के हम लोग। आप कॉमेडी करके अपील कीजिए। कॉमेडी करके अपील करूँ? चलो ठीक है, एक काम कर दो, मैं नाना पाटेकर में हो जाए। वाह क्या बात है, अच्छा है, एक अच्छी सोच के साथ इस पल की खुशी लेकर आए है, अच्छा है। भगवान का दिया सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, मुझे नहीं पता किधर है, मुझे उससे कोई कुछ नहीं, बस इतना है इंसानियत के नाते इतने बड़े लेवल पर एक अच्छा मैसेज देना चाहता हूँ, उसी के लिए ये सारी चीजें। ए भाई अगर आप लोगों को हमसे जुड़ना है, फेसबुक पे एक पेज बना हुआ है, इस पल की खुशी लाइक कर, पूरे सारी चीजें को मुझे डिटेल वहीं से मिलेगी। अच्छा, तो दर्शकों एंकर परेश ने आपको अपील की है, ये 5 बजे तक ये शो चलने वाला है, पूरे विदर्भ में भी ये कंपटीशन का आयोजन किया है, ऑडिशन का आयोजन किया है। हम भी एवीटी न्यूज़ की ओर से आपको अपील करते हैं कि आप एंकर परेश को मोबाइल नंबर पर कॉन्टेक्ट कीजिए, फेसबुक पर जाइए, व्हाट्सएप पर जाइए और यूट्यूब चैनल भी देखिए जहाँ पर पूरा डिटेल दिया हुआ है, हम अपडेट देते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए एवीटी न्यूज़ नागपुर।